नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे पूछा गया है राउरकेला में इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो बेसिकली ओडिशा में ये राउरकेला जो प्लांट है, तो ये जो है हमारा पहला पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट जो है एस्टैब्लिश किया गया इंडिया ने 1955 में, ठीक है, विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम जर्मनी। तो डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें से देखें किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो यूरोप में देखेंगे नॉर्वे जो देश है, ठीक, तो बेसिकली जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो आर्कटिक सर्कल में आता है और इसके इस रीजन में जो है देखेंगे मिड मई से लेकर के मिड जुलाई के मध्य 2400 घंटे जो है सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है और इस प्रकार की कुछ स्थितियों के कारण, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, नॉर्वे जो है इसको यहाँ पे लैंड ऑफ मिडनाइट सन की संज्ञा जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है इसमें है हैदराबाद तेलंगाना, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कि दिल्ली वगैरह में होगा, ये हैदराबाद में। 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो नेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो बैंक का ओनरशिप है, ठीक है, और मैनेजमेंट, इसको प्राइवेट हैंड से लेकर के जो है स्टेट की ओनरशिप में ट्रांसफ़र करना एक नेशनलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में जो है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था जुलाई 1969 में, ठीक, उसके बाद 1980 में दोबारा किया गया, है ना, अप्रैल 1980 में, तो इसमें 6 बैंकों को दोबारा किया गया, ठीक, तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष में किया गया था। तो रुपी का डिवेल्यूएशन या फिर किसी भी देश की जो करेंसी है, मनी है, उसको डिवेल्यूएट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका एक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कह लीजिए वैल्यू ऑफ मनी किया जाता है विद रेफरेंस टू अनदर मनी। तो यहाँ पे मोस्टली यूएस डॉलर के रेफरेंस में, है ना, इस चीज़ को एडजस्ट किया जाता है। तो इंडिया में क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, सबसे पहली बार 1949 में इसको जो है सबसे पहली बार इंडियन रुपी को डिवेल्यूएट किया गया। उसके बाद भी जैसे फिर 1966 में दूसरी बार किया गया और तीसरी बार जैसे इधर 1991 के रेफरेंस में आप देखते हैं जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे। तो इन इवेंट्स को ध्यान रखेंगे, तीनों को, इसमें ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें से कौन सा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखिए ये बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में है, तो ये ऑड हो गया पहले ही, ठीक। और नवग्रह मंदिर जो है ये ग्रुप ऑफ 9 श्राइन्स होते हैं जैसे केरला में भी संबंधित है और तमिलनाडु में, ये भी ऑड हो जाएगा। तो बच्चा 2 और 3, तो बी विकल्प को चुनेंगे। विरूपाक्ष टेम्पल आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, हम्पी में स्थित है। और चन्ना केशव मंदिर जो है ये भी कर्नाटका में है, बेलूर में, ठीक। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आगामी भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड, ये कैटेगरी का नाम ध्यान रखना है, इससे जो है किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मृणाल ठाकुर को ये मिलना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोगी योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, ऐसा नहीं है, राजस्थान की सरकार ने यहाँ पे ये बोर्ड बनाया है जो कि ये समुदाय है हमारे जोगी योगी और नाथ समुदाय, इनसे संबंधित लोग और अन्य चीज़ें जो हैं कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या समस्याएँ हैं, इन सब के बारे में ये बोर्ड कार्य करेगा। तो बी विकल्प को चुनेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो लगभग 120 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरनेशनल एजुकेशन समिट का आयोजन हुआ है दुबई में, ठीक, जुलाई के एंड में हुआ था 2023, ऑप्शन बी। हाल ही में बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से, अदिति स्वामी, ठीक, इन्होंने जीता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम आने वाले दिनों में। पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हैं इनका, अदिति गोपी चंद स्वामी करके नाम है इनका। नेक्स्ट है, हाल ही में हुन मैनेट ये व्यक्ति का नाम है किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कंबोडिया में वहां के जो किंग हैं नोरोडोम सिहामोनी करके नाम है उनका, तो उन्होंने अपॉइंट किया इनको रिसेंटली, और सी विकल्प को चुनेंगे, साउथ ईस्टर्न हमारा जो देश है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर इसका अवार्ड मिला है? ध्यान रखिएगा, बिहार को मिला है। अभी बेंगलोर में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन हुआ था, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। जैसे बोध गया वगैरह है ना, तो काफ़ी रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे बिहार में पॉपुलर है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इसको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। आगे देखें, इराक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा देश बन गया है? तो देखिए, न्यूज़ ये है कि अभी WHO ने यहाँ पे ट्रैकोमा फ्री जो है, मतलब एज अ पब्लिक डिजीज हेल्थ कंसर्न के रूप में इसको फ्री घोषित किया है इराक को। तो पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। और ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला ये 18वां देश बना है, तो इसमें डी विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर और डिस्कस करते हैं इसको, तो जैसा इनका ये मतलब ये तो खैर उतनी डिटेल हो जाएगी, इसमें बस ये जानिए कि इराक को भी ये सर्टिफिकेशन मिला है 18 देशों में, जो जिसमें हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में ट्रैकोमा को जो है अब सक्सेसफुली एलिमिनेट किया गया है। उन 18 देशों में इंडिया नहीं है, पहली बात इसको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा, ये ट्रैकोमा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो आँखों में होती है, ठीक है, और इसकी जो ये कॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका नाम है ये कैलमाइडिया ट्रैकोमैटिस करके एक होता है, ठीक है। अगर हो सके तो ध्यान रखेंगे, अदरवाइज बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही था, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपने देखी है सब। नेक्स्ट है, लूना 25 लूनर लैंडर मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ठीक, अभी ये जो है लॉन्च हो चुका है, और ये रॉस कॉस्मॉस जो स्पेस एजेंसी है रशिया की, इन्होंने लॉन्च किया है इसको, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। जैसे इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ठीक है, कुछ वैसा ही एक मिशन है ये। हाल ही में क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है वर्ल्ड कॉइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे एक कंपनी है ओपन AI, ठीक है, उसके CEO हैं सैम ऑल्टमैन। इन्होंने एक ये बिटकॉइन प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसमें हर इंडिविजुअल के लिए एक प्राइवेट डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सर्च करके इसके बारे में पढ़िएगा। किस राज्य में हाल ही में उस राज्य की सरकार ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने अप्रूव किया था रिसेंटली, और यहाँ पे जमशेदपुर में जो है हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री जो है सेटअप की जाएगी, तो देश की पहली हो जाएगी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। इसमें देखें, हाल ही में जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2019 से 21 के बीच में ड्रग्स से संबंधित सबसे अधिक FIR किस राज्य में दर्ज किए गए? तो जो NCRB का रिपोर्ट आती है, ठीक है, क्राइम इन इंडिया, उसके आंकड़ों के अनुसार जो ड्रग रिलेटेड FIRs रजिस्टर की गई हैं, सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक। NCRB के जो डेटा हैं इनको देखिएगा एक बार। बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए हाल ही में मासी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? इस पोर्टल का फुल फॉर्म है ये मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ठीक, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है,
इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अलग अलग स्थानों पे स्थित हैं पूरे देश भर में, ठीक, तो वहाँ पे बच्चों के साथ जो है सही रख रखाव उनका हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों के मॉनिटरिंग से संबंधित है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था, RRB एक्ट? तो देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स जो है सबसे पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था 1975 में, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। देश में पहला जो RRB इस्टेब्लिश होने वाला बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक, जिसको ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, ठीक। उसके बाद एक पार्लियामेंट से एक्ट बना, RRB एक्ट 1976 में, ठीक। तो ऑफिशियली जो अधिनियम के बारे में अगर पूछा जाए तो 76 को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, RN मल्होत्रा कमेटी जो है किससे संबंधित है? तो RBI के हमारे पूर्व गवर्नर थे RN मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने की दिशा में कुछ रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1993 में। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मिडिवल ट्रैवलर्स? तो इटालियन ट्रैवलर था जो मार्को पोलो 13 सेंचुरी का, इसको ये जो है उपाधि या संज्ञा के लिए दी जाती है। इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो जैसे हाइडेस्पीस का युद्ध वगैरह आपने देखा होगा सिंध के रीजन में, ठीक, ये सब अलेक्जेंडर के अराइवल की घटनाएं आपको पहले बताई गई हैं। तो इसके साथ कई सारे इसके ऑफिसर्स और हिस्टोरियन आए थे, जिसमें से ये निर्याकस इसका एक ऑफिसर था, है ना, इसमें एरिस्टोबुलस, ओमनिक सिक्रेटस जो था, ये सब हिस्टोरियन थे, ठीक। इसमें हिकेटियस नहीं था कोई, ठीक, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी है? तो पहले भी हमने बात की हुई ट्रैवर्नियर की, जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर इसका पूरा नाम था। इसमें देखेंगे 17 सेंचुरी में जैसे शाहजहां के उसमें कोर्ट से संबंधित था ये, तो इसने ट्रैवल किया था इंडिया में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेशन से क्या था ये, तो ट्रैवल के अलावा पेशे से जौहरी था ये, ठीक है, जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, और फ्रेंच था, फ्रांसीसी। तो इसकी ही पुस्तक है ट्रैवल्स इन इंडिया, काफ़ी फेमस है, इसको ध्यान रखना है। जॉब चारनॉक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्तमान जो सिटी ऑफ कलकत्ता आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में, ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से समय था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक एजेंट था जॉब चारनॉक, इसने 1690 में जो है इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता सिटी को। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नैफेड इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1958। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट में भी आप जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट उस स्टेट के गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पार्लियामेंट में लाया गया था। तो एक बार जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया सरकार के खिलाफ, ठीक, तो दूसरा अगर लाना है तो कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में कहाँ पे लिखा है, लिखा भी है कि नहीं लिखा है ये बताइए, जरा कमेंट करिए। इसमें देखें, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो मई 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसी के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, ठीक है, एक इनका फेमस स्टेटमेंट जो है दिया गया था, तो वहीं से काफ़ी पॉपुलर रहा था, विकल्प सी को चुनेंगे। भारतीय राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? पार्टी का नाम है स्वतंत्र पार्टी, तो इसकी स्थापना की गई थी जो है सिराज गोपालाचारी के द्वारा। रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष से पेश किया जाने लगा? तो देखिए, होता क्या था, 2016 तक रेलवे बजट और जो यूनियन बजट है अलग से आता था। अब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1924 में
एक ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक्वर्थ कमेटी बनी थी, ठीक, उनके रिकमेंडेशन पे जो बजट था उससे रेलवे बजट को अलग किया गया था, क्योंकि उस समय क्या होता था कि रेलवे पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था, लगभग मोर देन 80% ऑफ द टोटल एनुअल बजट वो रेलवे पे ही खर्च होता था। तो एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये सेपरेट किया गया था 1924 में, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तब से चली आ रही प्रथा 2016 तक, तो 80% से घट करके 2016 तक आते आते ये आंकड़ा हमारा लगभग 15% के आसपास तक आ गया रेलवे बजट का, ठीक। तो यहाँ पे फिर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, फिर दोनों यूनियन बजट और रेलवे बजट को मर्ज किया गया, और फरवरी 2017 में जो पहला बजट आया इस तरीके का कंबाइंड बजट, है ना, रेलवे और यूनियन बजट साथ में, तो जो है इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। भारत के किस अर्थशास्त्री ने ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक को लिखा? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे सी रंगराजन, ठीक है, इनकी पुस्तक है, विकल्प डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय करता है? तो यहाँ पे स्पीकर की जो सैलरी अलाउंसेस से संबंधित पावर है वो पार्लियामेंट, है ना, इस चीज को डिसाइड करती है। एक एक्ट है सैलरी एंड पेंशन अलाउंसेस, ठीक है, ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, तो यहाँ पे इन सब के माध्यम से ये चीजें गवर्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य भी था? तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कभी ना कभी, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी रहे, और जब हमारा संसद सबसे पहली बार आज़ादी के बाद, है ना, भारतीय संसद ने मुख्य रूप से कार्य करना शुरू किया, तो लगभग 12 वर्षों तक ये जो है आपके राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रथम लोकसभा चुनाव जो कि 1951 और 52 के दौरान हुए, तो उसमें लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी थी? तो पहली जो लोकसभा ये चुनाव हुआ इसमें उस समय सीट्स की संख्या थी 489, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसमें से उस समय देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, 364, और कुल मतदान किए गए मतों का 45% से अधिक, ठीक, इसको ध्यान रखना है। वर्तमान में हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? तो भारत में प्राइम मिनिस्टर या इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। बस ये है कि चूंकि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वो चुना जाता है पहले, तो 25 साल की मिनिमम आयु होनी चाहिए, है ना, बाकी तो चाहे जितने सालों तक जिए तब तक बने रहें अगर चुनाव जीतते हैं तो। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो संसद। दिल्ली सल्तनत में अफगान साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो कुल 5 डायनेस्टीज आप पढ़ते हैं उसमें जो एंड में आई लोदी डायनेस्टी, तो फाउंडर था बहलोल लोदी, ये मुख्य रूप से अफगानी ओरिजिन के थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इनका जो शासन काल रहा 1451 से 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध तक। इसमें से देखें कौन सी इमारत लोदी काल की निर्मित है? तो सल्तनत काल में लोदी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे अराउंड 1505 में ये मोठ मस्जिद बनवाई गई थी दिल्ली में, ठीक है, ये सिकंदर लोदी का प्राइम मिनिस्टर होता था एक मियां भोईया करके, ठीक, उसके द्वारा। बाकी के जो देखें ये सब पहले के हैं, बाकी मुगल काल के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे एक पुस्तक पूछी जा रही है सियर उल मुतखरीन, इसके रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन क्या बेसिकली डिस्क्राइब करती है ये पुस्तक ही, 3 वॉल्यूम की जो पुस्तक है बैटल ऑफ प्लासिको, ठीक, ये 1757, ठीक, और इसके लेखक जो हैं गुलाम हुसैन तबातई, विकल्प जो बी में लिखे हुए हैं, पूरा नाम था सैयद गुलाम हुसैन तबातई, तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? इन दिए हुए विकल्पों में से जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड ये बनते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में मिल रहा है, तो ये काफी हार्मफुल होते हैं। ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अभी आपको ऊपर बताया था इसके बारे में, ठीक, बहुत ही मतलब कई बार इस तरह की बीमारी अगर ये ज्यादा दिनों तक रह गई तो ब्लाइंडनेस का कारण बनती है सबसे ज्यादा, ठीक, तो ह्यूमंस में जो है
कॉर्निया का जो भाग होता है हमारी आंख का, उसके रफनेस को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, और वही अगर सही से ट्रीट ना हो तो ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। ठीक, तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें कौन सा सामाजिक सुधार अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के समय में पारित हुआ था। तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट के रूप में 1804 के अराउंड ये इन्फेंट किलिंग जो है, स्पेशली फीमेल इन्फेंट जो होते थे उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक, इनका वेलेस्ली का टाइम पीरियड भी चूंकि जो है आप देखते हैं यही है 1805 तक, 1798 से 1805। इसमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में शुगर को एथेनॉल है ना, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम एक तरीके से रोल निभाता है वो जाइमेज होता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान का ब्यूरो जो है कहाँ पर स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें गलत विकल्प को देखना है, हमारे पास कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं और किस वर्ष में उनको शुरू किया गया है। तो गलत है इसमें गिद्ध संरक्षण परियोजना, 2004 नहीं 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज पर मुकदमा हुआ था। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है ऑप्शन सी में 1929 का, जिसमें आप ये मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे है ना, कई सारे पीसी जोशी, ये कई सारे नाम जो इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें फिलिप ये स्प्रैट भी था। स्प्रैट कई बार मिलता है, कई बार स्प्रैट मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो फिर भी ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली वही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ मिलिटेंट मेथड से इनको ओवरथ्रो करने के कॉन्स्पिरेसी में ये केस चला था इन लोगों के ऊपर, उसी मामले में ये मुकदमा था। थोड़ा इस मामले को डिटेल में देखिएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।